something different you are getting apart from your lesson? Are you getting? Yes, sir. Something apart from your lesson? Yes, sir. Good. So these things are interconnected with it, and these things will help you in knowing the lesson broadly, fundamentally, practically, more practically. Getting idea? A number of ideas you yourself will prepare related to this chapter. Yes, again start. Start speaking, please. There is nothing that irritates me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. I lived with a man once who used to make me mad that way. He would loll on the sofa and watch me doing things by the hot together. He said it did him really good to look at on and be messing about. Now I am not like that. I can't sit on my desk. What is the meaning of messing about? Sit down, please, sit down. You read out, starting say read out, please. Shuru se padho. Sir, what is the meaning about? I said I would pack. I rather pride myself. Starting say, फिर से पढ़ो एक बार दोबारा से. You, आप ही पढ़ो, आप ही पढ़ो. Anyhow, आप शुरू से पढ़ो एक बार इसको. हाँ जी, हाँ जी. Is it translated? Yes, sir. Right. Do you understand it in Hindi? Yes, sir. Word to word. Yes, sir. Sentence to sentence. Good. Yes, sir. I said, मैंने कहा, I would pack. मैं pack करूँगा. क्या pack करूँगा? Packing करूँगा. I rather pride myself. अपितु मुझे इस पे pride होता है, गर्व होता है. On my packing, कि मुझे पैकिंग करनी आती है, बस किसी को नहीं आती. और होता है ना ऐसे. इट्स गुड कि आपका स्किल है ये ना. इट्स ए काइंड ऑफ स्किल, मैनर, स्टाइल, स्टैंडर्ड, मोड, व्हाटएवर वी हैव. पैकिंग इज वन ऑफ दोज मैनी थिंग्स. पैकिंग उनमें से एक चीज है. दैट आई फील आई नो मोर अबाउट देन एनी अदर पर्सन लिविंग. जो कि हम खुद महसूस करते हैं. It surprises me myself. इससे मुझे भी सरप्राइज होता है, हैरानी होती है. Sometimes how many such things there are. कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं. I impress the fact upon George. और मुझे जॉर्ज के ऊपर भी इस फैक्ट के ऊपर इम्प्रेस किया मैंने. I impress, मैं उससे प्रभावित हो गया. And Harish. And told them that, और मैंने उनको कहा, they had better leave the whole matter. तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है कि वो पूरे मैटर को ही छोड़ दें. Entirely to me, पूरी तरह से मेरे ऊपर. Entirely means completely. They fell into the suggestion. और वे इस सुझाव में पड़ जाते हैं. किस सुझाव में पड़ जाते हैं? क्या सजेशन देने लगते हैं? That had something uncanny about it. Translate in Hindi. Good. George spread himself over the easy chair. George spread himself over the easy chair. इजी चेयर के ऊपर जॉर्ज अपना सब कुछ बिखेर देता है. हैं? क्या बिखेर देता है? खुद लेट जाता है. फिजिकली ही फील रिलैक्स ऑन दिस चेयर. एंड हरीश कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल. हरीश ने क्या किया?
अपनी लेग्स को टेबल के ऊपर रख दिया और कंफर्टेबली बैठ गया. दिस वॉज हार्डली वट आई इंटेंडेड. ये बड़ा मुश्किल था जो मैंने इच्छा की थी, जो मैंने इच्छा रखी थी. इंटेंडेड, इंटेंस से बन गया इंटेंडेड, मतलब इच्छा थी उसकी. वट आई हैड मीन्ट, वट आई हैड मीन्ट. जो मेरा कहने का मतलब था, मतलब मेरे कहने का मतलब तो ये था राइटर कहता है कि मैं तुमको ऐसे कहूंगा कि ऐसे करो ऐसे करो, और वो सामान लाके उसके लिए डालेंगे, मैं उनका बॉस बनूंगा. दैट आई शुड बॉस द जॉब एंड दैट हरीश एंड जॉर्ज शुड पोटर अबाउट अंडर माय डायरेक्शंस. यस यस, स्पीक आउट इन हिंदी. I pushing them aside every now and then with. अब तक मैं उन सर्वों को हमेशा ऐसे करता रहता था कि तुम साइड हो जाओ, मैं कर दूंगा, ये तो इतना आसान है, मैं कर देता हूँ. Oh you, और तुम here, let me do it. Yes, please speak in Hindi. Here, let me do it. ये मैं कर दूंगा, ये तुमसे नहीं होगा, ये मैं कर दूंगा. There you are. ये काम तो बहुत इजी है. Simple enough. Really teaching them. हाँ, really तुम उनको पढ़ा रहे हो. As you might say, जैसा कि तुम कह सकते हो. दे आर टेकिंग इट इन द वे, वो ऐसे वे में ले रहे थे उस चीज को. दे डिड इरिटेटेड मी, वो मुझे इरिटेट करते थे. यस, देयर इज नथिंग डज इरिटेट मी मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. और कुछ भी नहीं, मतलब मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट वो चीज करती थी कि अगले वाला बैठा है और मैं काम कर रहा हूं, और वो मुझे देखे जा रहे हैं बिना मतलब मेरी हेल्प. I lived with a man. मैं एक मैन के साथ रहता था. Once who used to make me. जस्ट वो हर बार मतलब मुझे बनाता था. Who used to make me mad that way. मुझे वो मतलब पागल बनाता था, इस तरीके से मैड करता था. Who would loll on the sofa. जो सोफे पे सो जाता था. And watch me doing things by the hour together. और मुझे देखता था बहुत सारे घंटों तक. How sad it did उसने कहा. Him real good to look on at me. कि उसे बहुत अच्छा लगता है मेरे को देखने में. Mashing about. जब मैं काम करा करता था क्योंकि जब मैं मतलब कि काम करता था तो वो मेरे पैसे देखता था और मुझे इरिटेट करता था, तो सारी चीज अपने आप मैच हो जाती थी. Now I am not like that. अब मैं वैसा नहीं हूँ. I can't sit still. मैं अब ऐसे नहीं बैठ सकता. And see another man slaving and working. और दूसरे मैन को कोई मतलब जैसे काम कर रहा है तो उसको सीधा ऐसे बाहर देख नहीं सकता. I want to get up and superintend. मैं खड़ा होके और उसको मतलब उसकी हेल्प करता हूँ. And walk around with my hands in my pockets. और मैं चारों तरफ घूमता हूँ अपने हैंड्स को पॉकेट्स में रख के. And tell him what to do. और उसे बताता हूँ कि क्या करना है. It is my energetic nature. ये पोइट का energetic nature है. I can't help it. ये उसमें भी कोई मदद नहीं कर सकता, उसको अपने आप मतलब ये मन में आता है और वो करने के लिए चलता है. However, इस प्रकार I didn't say anything. मैं कुछ नहीं कहता. मैंने कुछ नहीं कहा. But started the packing. और पैकिंग स्टार्ट कर दी. It seemed a long job. वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग जॉब दिखाई थी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबी जॉब थी पैकिंग करने की.
Then I had thought it was going to be. But I got the bag finished at last. जब मतलब मैंने finish कर दिया bag को pack कर दिया उसको. And I sat on it and stepped it. मैं बैठा और उसको बंद करने लगा. Ain't you going to put the boots in, said Harry? क्या तुम मेरे boots अंदर नहीं रख रहे हो? Harry ने ऐसा कहा. And I